अपनी सब्जी बन गई है बैगन की। दोस्तों यहाँ पे लाइट, हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा। नमस्ते, घरगुती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मसाले वाली बैगन की सब्जी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, झटपट बनती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बैगन बनाऊंगी आज, इसके लिए ऐसे धारी वाले बैगन ली हूँ, बैगनी कलर के। इसमें सफ़ेद ये है लाइनिंग जैसा, काट लेंगे चार भाग में ऐसे काट लेंगे। इसमें देख लेंगे कुछ कीड़ा वगैरह इतनी है नहीं है। इसी तरह सब बैगन काट लेते हैं। सब बैगन काट ली हूँ, कुकर में डालते हैं। ये कुकर में डाल रही हूँ, इसमें हल्दी डालेंगे, पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालते, थोड़ा सा डालूंगी नमक पकने के लिए। हो गए, ढक्कन लगा लेंगे, दो सीटी लगा लेंगे। दो सीटी हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे। बैगन फ्राई करने के लिए लहसुन, अदरक, मिर्ची और धनिया पत्ती है, ये क्रश की हूँ। प्याज है कटा, हल्दी है, हींग है, मूंगफली पाउडर है, नारियल पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, गोड़ा मसाला है, लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है, जीरा पाउडर है, ये कांदा लहसुन मसाला है और ये तेल है। चलिए शुरू करती है। गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, तेल डालते हैं। सब्जी के जरूर उसके तेल डालेंगे, थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें। चलिए यहाँ पे अपना तेल गरम हो गया है, जीरा डालती हूँ। जीरा भून रहा है, प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे अच्छे से प्याज का कच्चापन। हींग डाल रही हूँ, चलो प्याज भून रहे हैं। ये डाल अदरक लहसुन डाल देंगे, इसमें है लहसुन है, अदरक है, मिर्ची हरी और धनिया पत्ती। भून लेंगे अच्छे से, लहसुन का कच्चापन हटना चाहिए। चलिए हो गए हैं, अपना पक गए हैं। आंच को धीमा करेंगे, मसाला डालते हैं, हल्दी डाल रहे हैं आधी चम्मच, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, ये कांदा लहसुन मसाला है, ये गोड़ा मसाला है। भून लेंगे, चलिए मसाले भून रहा है अपना, तेल छूट रहा है मसालों का, कढ़ाई साइड में। इसी के साथ थोड़ा हल्का पानी डालूंगी और मसाले को अच्छा पकना चाहिए तभी अच्छा स्वाद आता है। ढक्कन ढक लेंगे एक मिनट के लिए, मसाला पकेगा कम आंच में। चलिए ढक्कन खोलते हैं, अपना मसाला हो गया है। इसमें डालेंगे, अपन कुकर में पकाए थे ना बैगन, उसको डालेंगे। इसमें हल्दी और नमक डाल के पका ली थी,
इसमें आंच में पका लेंगे बैंगन को। इसी के साथ मैं नारियल चूरा डालूंगी और मूंगफली का क्रश। पकने देंगे थोड़ा, इसे हल्के हाथ से चलाएंगे। सब्जी का कलर कितना सुंदर आया दोस्तों। पर मिर्ची आप कम खाते होंगे, अपने हिसाब से डालिएगा। चलिए अपने बैगन देख लेते हैं, ये हो गया है। नमक डालेंगे, क्योंकि बैगन पकाते समय पे अपन नमक डाले थे, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे, चपचपा बनाएंगे। इसमें पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी पतला गाढ़ा लगेगा वो हिसाब से। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, चपचपा रखूँगी। मसाले के साथ पकने देंगे, 10 मिनट में बनने वाली अपनी बैंगन की सब्जी। चलिए थोड़ा ढक्कन ढक लेते हैं, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेते हैं। अपनी सब्जी बन गई है बैंगन की। दोस्तों यहाँ पे लाइट, हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।